अब हम करने जा रहे हैं भाई इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.3। क्या कह रहे हैं वो आपसे, आज का टॉपिक क्या है भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो भाई क्या कह रहे हैं भाई, एक सर्कल है और उस सर्कल की एक आर्क है, ये ए है ये बी है। तो इस आर्क के ऊपर एंगल कहां कहां बने जा सकते हैं। एक तो बन सकता है भाई, आप किसी भी इस मेजर आर्क पे कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए यहां पर, और दूसरा आप ले सकते हैं कहां पर, इसके सेंटर पर। तो अगर आपने ऊपर कहीं पर लिया तो आप बोलोगे एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सर्कल, और अगर सेंटर पे बन रहा होगा तो आप बोलोगे एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अंदर शिफ्ट हो, सर इसका मतलब क्या है बता रहे हैं। अगर ये आर्क सर्कल के किसी एक पॉइंट को लेकर वहां पर एंगल बना रही है तो इसको हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द सर्कल, और अगर इन आर्क से इस सेंटर पे एंगल बना रहे हो तो इसको हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। सबटेंड का मतलब क्या होता है? सबटेंड बना हुआ भाई, बना हुआ, एंगल बना है आर्क से। हाँ जी, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान दीजिए वो आपसे क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को पढ़िए जरा ध्यान से। वो कह रहे हैं इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड कन्वर्सली। अब इधर जरा देखिए, इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर corresponding chords are equal. What does it mean? जरा ध्यान से समझिएगा। Everybody, pay your attention here. भाई मान लीजिए ये है आपका एक सर्कल, ठीक है, एक और मैंने सर्कल ले लिया, टू chords of a circle, एक ही सर्कल है, ठीक है। तो भाई मैं टू chords ले रहा हूं, वो आपसे क्या कह रहे, टू chords of a circle are equal. तो मैंने एक chord ले ली क्या AB, और दूसरी मैंने कॉर्ड ले ली क्या सी डी। वो ये कह रहे हैं ये दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या हैं, इक्वल है। व्हाट डज इट मीन, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं अगर टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। जरा देखिए, तो ये जो आर्क है ए से बी तक और सी से डी तक, देखो आर्क को कैसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर ऐसे आर्क बना दी जाती है, इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। क्या बात समझ में आ रही है? हां जी भाई, इस तरीके से। किसका पूछिए, बोला आप ले लीजिए, आपको बता दे, आप पूछ लीजिए, मैं भी कॉल कर रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, थ्योरम नहीं है, स्टेटमेंट है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए बेटा। तो अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क का क्या मतलब है भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है? देखो, एक तो ये छोटी वाली आर्क है, अब आप इस वाले पोर्शन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो आपको एक आर्क नजर आएगी कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक, ये मेजर आर्क है, और एक आपको आर्क नजर आएगी कहां से कहां तक, ये सी से लेकर डी तक। तो ये जो ग्रीन वाली आर्क है बड़ी वाली, मेजर आर्क, और यहां पे जो व्हाइट वाली आग है मेजर आग, तो इनकी छोटी वाली आग भी इक्वल होंगी और इनकी मेजर आग जो है वो भी इक्वल होंगी, इसीलिए उन्होंने बोला कॉरेस्पॉन्डिंग आग्स। कॉरेस्पॉन्डिंग आग्स का मतलब छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी। सो बेसिकली इस स्टेटमेंट से हमने ये कंक्लूड किया, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आग्स आर इक्वल। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई अच्छे से, किसी बच्चे कोई डाउट? अब नेक्स्ट देखिए जरा, अब नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं भाई ए से लेकर बी तक एक आर्क है और एक सी से लेकर डी तक आर्क है, ये दोनों आर्क्स जो हैं वो आपस में इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, आप कुछ भी कह दो। क्या बोला उन्होंने, इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है भाई, टू आर्क्स ए बी और सी डी, ये दोनों आर्क्स क्या हैं, इक्वल है। अब आप चाहे माइनर वाली ले लो या मेजर वाली ले लो, आपके ऊपर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहां पर जो कॉर्ड्स बनेंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहां पर क्या था, कॉर्ड्स इक्वल थी, बाद में उनकी जो आर्क्स आई वो इक्वल हो गई, लेकिन यहां पर आर्क्स इक्वल है
या कॉन्ग्रुएंट है तो फिर यहां से मिलकर बनने वाली जो कॉर्ड होगी, इन दोनों पॉइंट से मिलकर बनने वाली जो कॉर्ड होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। हाँ जी भाई साहब आप पूछ लें। ये समझाने से पहले सोच लेता है कि हाँ मुझे ये वाला पूछना है, क्लियर तो करने दो। क्या नहीं समझ में आया बेटा बताओ? मेजर आग ले रही है भाई साहब, ये छोटी वाली है, इस वाले को हटा दो, बाकी जो बचा वो मेजर है। ठीक है, तो इसी तरीके से सीडी, या तो दोनों इसकी क्या कीजिए, माइनर आर्क लीजिए, या दोनों की लीजिए मेजर आर्क। भाई एक बात हो, इसकी मेजर आर्क कौन सी होगी, ए बी, यहां से यहां तक होगी। यहां पर सीडी में से माइनर हटा दो, पिंक वाला एरिया हटा दो, यहां से यहां तक जो है वो मेजर है। तो अगर माइनर इक्वल है तो मेजर भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि पेरीमीटर में से देखोगे ना, पेरीमीटर। हाँ जी देवी जी, ऐसी शक्ल इसीलिए बना रही हूं, काफी दिन के बाद आ रही हूं, अभी तो और खतरनाक खतरनाक बनेंगे चेहरे आपके। हाँ जी भाई और बताओ, क्लियर हो गई? तो ये स्टेटमेंट यहां पे लिखी हुई है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स इक्वल होंगी या कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो कॉर्ड होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब जरा पढ़िए, टू इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है, एनी प्रॉब्लम? चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैं सर्कल बना लू पहले। इस का मतलब आप समझिए जल्दी से, वो कह रहे हैं जी कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल, एक ही सर्कल है उसकी कॉन्ग्रुएंट आर्क्स लेनी है। कॉन्ग्रुएंट आर्क का मतलब ये है कि मान लीजिए ये है ए और ये है बी, ए बी ये क्या है, आर्क है। ठीक है भाई, इसी तरीके से सी और डी ले लिया जाए, सी से डी तक। हाँ जी भाई, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं, इन कॉन्ग्रुएंट आर्क्स से मिलकर बनने वाले जो सेंटर पर एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो ये कह रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल आर्क्स या फिर कॉन्ग्रुएंट आर्क्स एट द सेंटर आर इक्वल। मतलब यहां से यहां तक मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री। इस चीज को हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं थ्योरम में। कैसे, देखो अब जरा ध्यान से सुनना, अभी हमने पढ़ा कि अगर कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं तो यहां पर इक्वल कॉर्ड्स हो जाएंगी। फिर हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल। ये थ्योरम हमने की हुई है। क्या बात समझ में आ रही है? इसी स्टेटमेंट को यहां पे लिखा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो अगर कहीं भी आज के बाद आपको जरूरत पड़ेगी ये बताने की कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो आप क्या लिखोगे, एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल आर्क्स एट द सेंटर आर इक्वल, या फिर ये जो लिखा हुआ सेंटेंस वो बोल देना। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन कंडीशन क्या है कि इक्वल आर्क्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटी बड़ी आग हो फिर भी आपने बोल दिया एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर आर इक्वल, तब नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन बैच में जो मैं क्लास ले रहा हूं वहां पर यह क्वेश्चन आया था, उन बच्चों को मैंने स्पेशली मेंशन किया था और उन्होंने बोला हाँ जी सर आई ये थ्योरम, तो आपका भी आ सकता है, क्वेश्चन बनाकर भी आ सकता है या फिर थ्योरम में दे देंगे। ठीक है, तो थ्योरम तो ऐसे लिख कर आएगा नहीं 9.7, वो तो क्या करेंगे भाई ये लिख देंगे। क्या लिख कर देंगे जरा ध्यान से सुनिएगा, और इस डायग्राम को मैंने बनाया हुआ है अभी मैं दोबारा से भी बनाऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। वो आपसे क्या कह रहे हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। व्हाट डज इट मीन, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं एक आर्क है पी क्यू, इससे एंगल बनेगा सेंटर पे, मान लीजिए यह है 60 डिग्री का। अब आप इस आर्क को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट दिस पॉइंट विल बी हाफ ऑफ दिस, और वी कैन से ये 30 डिग्री होगा। अगर ये 30 है तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो डबल है या नहीं है? हां जी भाई, तो दोनों वाई से वर्सा कि अगर सेंटर पे बना हुआ एंगल है तो ऊपर क्या हो जाएगा, हाफ,
और ऊपर जो भी एंगल बना हुआ है तो सेंटर पे क्या हो जाएगा उसका डबल। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ऊपर 30 है तो नीचे 60, अगर ऊपर 60 है तो नीचे कितना हो जाएगा 120। क्या बात समझ में आ रही है? अब इस चीज को हमें प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। अब इसी चीज को जरा यहां पर समझिए, मैंने यहां पर बनाया हुआ है, अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। वो कह रहे हैं इस रेडियस को पकड़ो और सीधा कर दो, कितने डिग्री बना दो 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो यहां पे कितना हो जाएगा इसका हाफ, मतलब के 90। इसका मतलब ये है कि एंगल सबटेंडेड ऑन दी डायमीटर इज 90 डिग्री, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, एंगल सबटेंडेड ऑन दी सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? मैं सेमी सर्कल बोल दूं, डायमीटर बोल दूं, बात एक ही है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पर अगर 180 है तो ऊपर कितना हो जाएगा अपने आप ही 90 डिग्री। अब इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे बच्चे फंसते हैं, जो समझाना चाह रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। ये वाला एंगल मान लीजिए 120 है, मैंने क्या किया इसको सीधा किया, अब इसको और ऊपर कर दिया, तो एंगल तो यही वाला चलेगा ना। बच्चे एंगल अंदर वाला ले लेते हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं। छोटा वाला एंगल नहीं लेना है, इसके अपोजिट देखिए ऊपर, ये देखो इसके ऊपर, इसके ऊपर, आमने सामने वाले एंगल्स नहीं ले रहा हूं मैं। तो अगर ये वाला एंगल 120 है तो ऊपर वाला कितना होगा 60 होगा। हाँ जी सर, लेकिन वो तो 120 से बड़ा होगा ना। अरे समझ जाओ यार, ये लो 200 ले लो भाई, सॉरी बोल तो सही रही वैसे, बस समझाने के लिए समझ लो। ये मान लीजिए 200 है तो ऊपर वाला कितना हो गया भाई 100। क्या बात समझ में आ रही है? अब इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, वो समझिए। वो क्या करेंगे सर, ये भी बता रहा हूं क्या करेंगे। ये वाला एंगल मान लीजिए दे दिया 120, ये वाला एंगल दे दिया क्या 120, जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। भाई देखो इधर, ये 60 था तो उसके ऊपर कितना हो गया 30, ये वाला 180 था तो ऊपर कितना हो गया, अब ये 120 था तो ऊपर वाला कितना होगा 60। देखा मैंने बोला था ना, नहीं 60 नहीं, ये वाला नहीं। हाँ सही बता दो, ये गलत था ना, आप सही आंसर बताओ क्या होगा। तो ये गलती होती है, क्या बात समझ में आ रही? अभी मैंने इसको बना के दिखाया कि ऊपर वाला एंगल इसका हाफ होगा, इसका हाफ नहीं होगा। तो अब आप क्या करोगे, सुन लो इधर जरा ध्यान से, ये पूरा एंगल है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। 360 में से आप अंदर वाला माइनस करोगे तो बाहर वाला एंगल मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी, तो यहां से आपको 120 कर देना है माइनस, तो यह आ जाएगा कितना 240। ये बेटा 240 का हाफ होगा ना के 120 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल या हाफ नहीं होते, ठीक है? तो इसका हाफ कितना होता है भाई 120। तो देखो आपस में क्या है, इक्वल आ गए, जो कि आपको क्या लग रहा था 60 डिग्री। अच्छा इक्वल भी नहीं होंगे, अब ऐसा मत सोचना, अच्छा यहां पे 60 है तो ऊपर भी कितना होगा 60। देखो जरा कैसे, देखो कैसे, कहीं आप सोचो इक्वल आएगा भाई? अगर ये 60 है तो इसका बाहर वाला एंगल निकालोगे ना 300 का हाफ कितना होता है 150 होता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपस में इक्वल भी नहीं होंगे। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए, आयुष बेटा तैयार हो आप, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, तैयार हो? नहीं हो, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये 30 था तो ये कितना होगा 60 डिग्री डबल, ये वाला एंगल 90 है तो ये कितना होगा 180, और अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है तो बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। हाँ जी आप बताओ, तो मैं तो ये पूछ रहा हूं ना, बाहर वाले से मुझे क्या लेने देना, रुक जाओ आप बताओ। हाँ 60 का डबल कितना होगा भाई 120। कोई दिक्कत? हाँ। क्या सर, अंदर वाला कौन सा ना? आप बताओ है 120, कोई दिक्कत? सर, आप बताओ है 120 आप बताओ, दो मिनट का रुक जाओ आप बताओ। सर 60 है, उसका रिफ्लेक्स निकालेंगे हम 300, उसका हाफ हाफ हम कर रहे हैं तो 150 आएगा बेटा। अब फिर से आप लोग क्या हो गए गलत, रुक जाओ चलो आप बताओ। सर
240 जरा ध्यान से सुनो, बहुत जल्दबाजी में रहते हो, आपका टेस्ट पेपर भी चेक किया मैंने। इधर देखो जरा भाई, इसका डबल यहां पर होगा कितना, 120। इसका डबल वाला दिया, नीचे वाला दिया, दिया नहीं है, कौन सा कह रहे हैं आप, ऊपर वाला दिया है 60, तो उसका बाहर तो 120 होगा। अभी कहां खोए हो, तो क्वेश्चन सुनते हो ना, खोए रहते हो उस टाइम पर। ये वाला आपको निकालना है, ये वाला 60 दिया हुआ, देखो जरा इसका डबल यहां आ गया 120, बस शांत हो जाओ। और 360 पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री का, तो आपको क्या करना होगा, 120 माइनस करना होगा, 120 माइनस करो कितना आ जाएगा 240, तो अंदर वाला एंगल कितने डिग्री का होगा 240। इस तरीके से आपको वो कंफ्यूज करके देंगे, क्या बात समझ में आ रही है, तो थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझना होगा कि कैसे आंसर देना है। अब आ जाओ इसके प्रूफ पे, अब इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है भाई, क्रॉप व्रॉप होने का सीन है क्या, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये शो करके दिखाओ, अब एग्जाम में ये लिखना है आपको, ठीक है, जो करा रहा हूं प्रूफ। दो एंगल बन रहे हैं भाई, मान लीजिए मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक ले लिया ये ए और दूसरा ले लिया मैंने बी, ठीक है भाई। अब इससे मैंने सेंटर पर बना लिया एंगल और इससे बना दिया एक मेजर एंगल यहां कहीं पर, ठीक है भाई। ये हो गया जी ओ और ये हो गया सी, ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब हमें ये शो करना है कि यहां पर जो एंगल बन रहा है इस वाले का क्या है, डबल है, ठीक है। कैसे करोगे जरा ध्यान दीजिए, मैंने एक यहां पर कंस्ट्रक्शन की, कैसी कंस्ट्रक्शन, यहां से एक लाइन ड्रॉ की मैंने, जो इसको ऐसे कट करता हुआ जा रहा है, अब ये बाइसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ये मुझे नहीं पता, ठीक है, मान लीजिए ये इसको क्या कर रहा है, कट करता हुआ जा रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले तो देखिए कि गिवन क्या है, गिवन क्या क्या है पहले वो देखिए, फिर हम देखेंगे जी क्या टू प्रूव, फिर हमें क्या करनी है कंस्ट्रक्शन, इसको चलो इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं एक्स, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन और फिर हमें क्या करना है प्रूफ, गिवन क्या है जरा देखिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द, सो बेसिकली गिवन ये है कि लेट कर लेंगे हम ए ओ बी इज सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर एंड एंगल ए सी बी, ए सी बी एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, एट अच्छा भाई अ पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। प्रूफ क्या करना है जरा ध्यान दीजिए, यह चीज इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहे हैं, प्रूफ हमें यह करना है कि एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज डबल, बेटा बताना नहीं, प्रूफ करना है नहीं, ठीक है, ए सी बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं ले रहा हूं कौन सा कंस्ट्रक्शन, मैंने क्या किया जरा देखिए, ड्रॉ किया है मैंने सी ओ एक्स, ठीक है, सी ओ एक्स मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आ जाइए किस पे, प्रूफ पे, इन ट्राइंगल, पहले मैं इन ट्राइंगल कौन सा सी ओ, या फिर ऐसा देखो ये वाला ले रहा हूं मैं सी ओ बी, उधर वाला सी ओ बी, मैं इसका नामकरण कर रहा हूं, कैसे, इसको लेट कर रहा हूं भाई वन, इसको लेट कर रहा हूं टू, इसको लेट कर रहा हूं क्या थ्री, इसको लेट कर रहा हूं फोर, ठीक है, इसको फाइव, इसको सिक्स, या फिर चलो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, यहीं पे समझ लो, इतने में ही हो जाएगा काम,
अरे रुक जाओ यार, ठीक है भाई। तो ये ट्राइंगल के अंदर वाले तीनों एंगल हैं और ये बाहर वाला एंगल है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, कौन सी वो प्रॉपर्टी है जरा देखिए, एक्सटीरियर एंगल वाली, कि अगर कोई एक ट्राइंगल है और एक साइड कोई एक्सटेंडेड है तो इसके दोनों अंदर वाले एंगल्स का सम इस बाहर वाले एंगल के सम के बराबर आता है, बाहर वाले एंगल के इक्वल आता है, सम के बराबर नहीं, इन दोनों एंगल्स का सम इसके इक्वल आएगा। और अगर आप ध्यान दें तो इसी ट्राइंगल को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा आ रही है और ये ट्राइंगल जो है वो इधर बना हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एंगल वन और एंगल टू का सम किसके इक्वल आएगा बताओ जरा, एंगल फोर के बराबर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। रीजन क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ये, एक्सटीरियर एंगल। क्या बात समझ में आ रही है? और इसको ले लिया मैंने क्या, फर्स्ट, ठीक है। इसका इधर भी नाम कर ही लेता हूं यार, सही रहेगा। इसको ले लो जी फाइव, इसको ले लो क्या सिक्स, और इसको ले लो क्या सेवन, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, सी ओ ए, क्या हो जाएगा भाई, सी ओ ए, कोई दिक्कत? इस वाले में क्या होगा जरा बताओ, एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू व्हाट, एंगल सेवन, ठीक है, एंगल सेवन। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो देखो इधर जरा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, हां जी भाई, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? हां जी भाई, क्योंकि ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, हां, वन एंड टू। तो आप लिखोगे सिंस वन इज इक्वल टू एंगल टू, रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है भाई। इसी तरीके से सिमिलरली, अब जरा देखो इधर, एंगल फाइव और एंगल सिक्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। रीजन क्या है भाई, अगेन आइसोसेलेस ट्राइंगल। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान दीजिए, मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू एंगल फोर प्लस एंगल सेवन। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिएगा, एंगल वन और एंगल टू क्या है, इक्वल है, तो क्या मैं टू की जगह वन रख सकता हूं? हां जी दीपक जी, आ जाइए इसी दुनिया वापस। एंगल वन और टू आपस में क्या है, इक्वल है, तो एंगल टू की जगह पर क्या मैं एंगल वन रख सकता हूं? हां जी भाई बिल्कुल रख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपस में क्या है, इक्वल है, तो यहां पर मैंने वन रख दिया। अब बात आती है सर टू क्यों नहीं रखा, क्योंकि मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं ये वाला एंगल की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। इसी तरीके जरा देखो, फाइव एंड सिक्स भी आपस में क्या है, इक्वल है, तो क्या मैं सिक्स की जगह पर फाइव लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो, तो एंगल फाइव प्लस एंगल फाइव। फोर और सेवन को अगर मैं ऐड करूं, फोर और सेवन को, तो मुझे क्या मिलेगा, ए ओ बी मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ जरा। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, क्लियर है सारी बात? अब जरा ध्यान दीजिएगा, वन कितनी बार आ गया, दो बार, वन कितनी बार आ गया भाई, दो बार, और एंगल फाइव भी कितनी बार आ गया, दो बार, तो टू टाइम्स एंगल फाइव आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, और आगे क्या है, ए ओ बी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ए ओ बी। अब मैं क्या कर रहा हूं जरा देखो, टू कॉमन ले सकता हूं क्या, टू कॉमन ले लो, तो मैंने टू ले लिया जी कॉमन, क्या बचा, एंगल वन प्लस एंगल फाइव, और ये क्या है, एंगल ए ओ बी। देखो ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहां पर बचेगा एंगल वन प्लस एंगल टू, सॉरी फाइव इज इक्वल टू, देखो ये टू जाकर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, या फिर यहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, डबल ही तो प्रूव करना है, यहीं छोड़ दो, तो तब तो डायरेक्टली हो गया, उधर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। अब जरा देखो इधर, 2
टू यहीं छोड़ दो, एंगल वन और फाइव को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए ओ बी, क्या मिलेगा, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ए सी बी, अच्छा हाँ ठीक है, ए सी बी, ए सी बी विच इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी। तो हमें यही प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी इज डबल द एंगल ए सी बी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, और अगर हाफ प्रूफ करने के लिए बोलेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब सब कुछ सेम रहेगा, बस एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, ये टू जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। समझ में आया सारे बच्चों को? इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, नोट कीजिए। अब जरा देखिए, देखिए सारी की सारी थ्योरम्स आपको कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो कराने वाली है वो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। देखिए जरा इस वाली थ्योरम पे आइए, इसमें वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखो एक ये सेगमेंट है ए बी और एक ये सेगमेंट है सी डी, ठीक है। अच्छा एंगल्स नहीं, सेम सेगमेंट, सॉरी इसको ऐसे लो, एक सेगमेंट ले ली मैंने ए बी, अब इसको कॉर्ड बोलो आर्क बोलो एक ही बात है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इस सेगमेंट के ऊपर एक एंगल यहां पर है मान लीजिए 30 डिग्री का, और एक एंगल यहां पर है ये भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। रीजन क्या होगा, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसके बाद यहां पर अगर एंगल लिया तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अगर आपने यहां पर लिया ये यहां पर, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। यहां पर लिया तब भी कितना होगा, 30 डिग्री। बस नीचे नहीं आना, अगर आपने नीचे लिया तो ये वाला एंगल अगर आप यहीं पे एक और बनाओगे उस वाले एंगल के तो इक्वल होगा, ऊपर वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि इस बार सेगमेंट क्या हो गई, चेंज, यहां पर थी माइनर सेगमेंट और जब आपने एंगल नीचे की तरफ बना दिए तो अब आप बना रहे हो किस पर, मेजर सेगमेंट पे, ठीक है। सो एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है? और यह चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है भाई कि अगर कोई एक सर्कल है और उसके सेमी सर्कल पर एंगल बनाया जाएगा तो वो कैसा बनेगा, राइट एंगल बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है 180 और अभी हमने पढ़ा है कि भाई नीचे वाला एंगल जो है वो इसका क्या होता है, डबल। तो अगर ये 180 है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हाफ, मतलब के 90, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी आपको डायमीटर मिलेगा तो आप रीजन क्या लिख दोगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हाँ जी सर, इसके भाई साहब ये डाय सुनते नहीं हो ना आप, डायमीटर है क्या, ये डायमीटर है क्या, नहीं, ठीक है भाई। अब जरा ये देखिए, वो क्या कह रहे हैं, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द फोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। जरा देखो इधर क्या कह रहे हैं वो, इसका मतलब, हाँ ना 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 प्रूफ नहीं करनी, आ रहे हैं भाई आ रहे हैं, इधर जरा देखो वो क्या कह रहे हैं भाई, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, तो मैंने एक ए लिया और एक बी लिया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गई, एक लाइन सेगमेंट बन गई। Subtends equal angles at two other points. तो एक मान लीजिए ये है C, एक यहां पर एंगल बन रहा है और एक बन रहा है किस पर, D पर। तो obviously ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, equal होंगे। किसी बच्चे कोई दिक्कत, lying on the same side of line containing the line segment, ठीक है। अब the four points, अब ये four points मिल गए आपको, कौन सा, ए बी सी डी। तो ये क्या होंगे भाई, ये फोर पॉइंट्स लाए करेंगे इस सर्कल के ऊपर
और ऐसे सर्कल को हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन साइक्लिक, क्या बोलेंगे, कॉन साइक्लिक, और इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी इसके बारे में बात करेंगे, ये आ गए, यहां से यहां तक आप भूल जाओ, इसका कोई काम नहीं है। यहां पे जरा ध्यान दीजिए, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द फोर वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन अ सर्कल। मतलब एक आपने सर्कल बनाया, पहले वाले में क्या था, एक मिनट रुक जाओ, आपने एक क्या किया, सर्कल लिया, ठीक है। अब ये है आपके क्या, ए बी सी और डी, ये सी हो गया, ये इसको ज्वाइन कर दो। इससे पहले वाले में क्या था, ये वाली लाइन ज्वाइन नहीं थी, एंगल बने हुए थे, तो इन फोर पॉइंट्स को हम क्या कह रहे थे, कौन साइक्लिक, क्या बात समझ में आ रही है। यहां पर प्रॉपरली एक क्लोज फिगर है, तो ये जो फिगर है इसको हम बोलते हैं क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये क्या है, सर्कल के अंदर बना हुआ है। इससे पहले वाले हम क्या कह रहे थे, इन फोर पॉइंट्स को हम कह रहे थे, वन टू थ्री फोर, ये मैंने ऊपर ज्वाइन करके दिखाया था, बट वो क्वाड्रिलेटरल ही है। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कौन साइक्लिक, ठीक है, इन पॉइंट्स को, फोर पॉइंट्स है, फोर पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और कौन साइक्लिक एक ही चीज है। बड़े बड़े भाई ये देखो, ये लाइन है ही नहीं यहां पर, क्या आपको फोर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो फिर इसे कौन साइक्लिक कहते हैं। हाँ जी, अब जरा देखिए, जो साइक्लिक है उसमें एक खास बात होती है, इसके अपोजिट एंगल्स का सम, इसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर फोर पॉइंट्स बनाए जाए एक सर्कल के ऊपर और उनको ज्वाइन कर दिया जाए, फिर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका नाम क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और खास बात यह है कि इनके अपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री, क्या बात समझ में आ रही है। मान लीजिए अब ये सर्कल को हटा दिया जाए, क्या अब ये साइक्लिक नहीं है, अभी भी साइक्लिक है। कैसे पता चलेगा, इफ सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन इट इज साइक्लिक। इसका मतलब यह है कि इन फोर पॉइंट से फिर एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, क्या बात समझ में आ रही है। तो अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दो, तो आप प्रूव कर दोगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या बात क्लियर हो गई, ठीक है। जरूरी नहीं कि सर्कल ही बनाया जाए तभी साइक्लिक लगेगा, अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है तब भी वो साइक्लिक ही होगा। अगर एक जगह का 180 प्रूव हो गया तो फिर दूसरे का भी होगा, तो ऑब्वियसली 360 होता है ना भाई। अगर टू एंगल्स का सम 180 प्रूव हो गया, फोर एंगल्स का सम 360 होता है, तो टू का अपने आप ही प्रूव हो गया 180, ठीक है। गिवन नहीं है, वो कह रहे अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, अगर एक का हो गया तो दूसरे का अपने आप ही हो जाता है, ठीक है भाई। अच्छा अब आ जाओ किस पर, ये वही चीज जो भी मैंने आपको समझाई है, वही थ्योरम है ये, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। आइदर का मतलब दोनों, कोई से भी दो अपोजिट एंगल्स ले लो, ठीक है। जैसे कि आपने ये लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसके अपोजिट एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री, और इन अपोजिट एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, क्लियर है सारी बातें, एनी डाउट। अब आ जाओ किस पर, इस वाली थ्योरम पे, वो क्या कह रहे हैं भाई जरा ध्यान दीजिए, वो कह रहे हैं इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ गया तब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। किसी बच्चे कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, ठीक है भाई। इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो खत्म होता है, इसके बाद हम देखेंगे एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज, ठीक है, नोट कीजिए।